247 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करते हैं यूपी की अहम खबरों की ओर। खबर है जनपद भदोही से, जी आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के ककराही रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसके पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से एक पिस्टल, मैगजीन, कारतूस आदि बरामद किया गया। वहीं आरोपी पर सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज समेत कई जनपदों में हत्या, लूट, छिनौती समेत विभिन्न मामलों के 24 मुकदमे दर्ज। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि ककराही रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। उसी समय मिर्जापुर की ओर से एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। जब उसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वह गोपीगंज की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेश गौड़, निवासी केदारपुर थाना गोपीगंज बताया। एसपी के अनुसार वह गैंगस्टर का आरोपी है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, 4 कारतूस 9mm समेत एक मैगजीन, 7.75 बोर व एक बाइक, 1200 रुपये नकदी बरामद की गई। उसके खिलाफ जिले के गोपीगंज भदोही कोयराना थाने में मुकदमे दर्ज है। इसी तरह सोनभद्र के 54 थाने में हत्या, रावर्ट्सगंज में धोखाधड़ी, गैंगस्टर प्रयागराज में लूट आदि के मुकदमे दर्ज है। पुलिस टीम में एसओजी प्रभारी विनोद दुबे, गोपीगंज थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह आदि शामिल रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए चुम्मन लाल की रिपोर्ट। देखिए, आज जो है ये रेंज कार्यालय से आदेश था होटल ढाबों की चेकिंग के लिए। इसी क्रम में हमारे एसएचओ गोपीगंज ये निकले हुए थे मिर्जापुर रोड पे, यहाँ बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे। ये एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था अकेले, इसको रोकने की कोशिश किया उन्होंने तो वो तेज़ी से भागा रोड के। इन्होंने फालतू पीछा किया तो वो इस रोड पे घूमा। उधर से क्राइम ब्रांच की टीम भी आ रही थी, वो मिर्जापुर की तरफ जा रही थी अपने किसी टास्क पर। इसी दौरान वो लोग यहाँ पहुँचे, उसका पीछा करते हुए पीछे फायर करता हुआ आ रहा था। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। यहाँ पर यहाँ 2-3 कारतूस पड़े हुए हैं, उसके एक पैर में और एक हाथ में गोली लगी है। उसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और बस प्राइमरी पूछताछ में इतना अपना नाम बताया, राजेश गौड़, और ये ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये थाना गोपीगंज से वांटेड भी चल रहा था, इस पर 50,000 रुपये का इनाम है। केदारपुर गोपीगंज गांव, इसका मूल गांव केदारपुर गोपीगंज का है। इस पर जो है ये गैंगस्टर में वांटेड चल रहा था। इस पर करीब 1.5 दर्जन लूट के, चोरी के, हत्या के मुकदमे हैं। और इस पर अभी जो है डीआईजी रेंज साहब के यहाँ से 50,000 रुपये का इनाम चल रहा था। आज ये पुलिस ने उसको इस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ, घायल हुआ, उसको अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए।